Okay, so good evening and welcome to lecture one of pair of linear equations in two variables. ठीक है, तो एक तो इसमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें ग्राफ्स को स्टडी करना है. ठीक है, ग्राफ्स की इम्पोर्टेंस है और ग्राफ्स को बनाना है. तो जाहिर सी बात है कि मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक ग्राफ ऐसा होगा जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी फिर आपको जब हम लेक्चर ले लेंगे तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना है. मतलब वो जो है असाइनमेंट्स में रहेगा कि जब लेक्चर हो जाएगा उसको जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप खुद से उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर एक ग्राफ को साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे अब आज जो है आप लोग ग्राफ्स फौरन लेके तो नहीं बैठ सकते. ठीक है, तो देखेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सा हम ग्राफ लेते हैं और किस ग्राफ को हम असाइनमेंट में देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है बेसिकली थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं अपने प्रीवियस क्लास में. ठीक है, एट्थ क्लास में भी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ठीक है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, मींस ऐसी इक्वेशन जो लीनियर है. लीनियर का मतलब यह है कि जब उस इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, इस वजह से वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे लिखा कि 3 + 5x = 5, अब ये एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है. मैक्सिमम पावर क्या है? दैट इज 1. ठीक है, तो जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री 1 है. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. नाइन्थ क्लास में हमने स्टडी किया था, जैसे मान लो 3x + 5y = 3. अब यहां पे ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो ऑब्वियसली इट्स अ लीनियर इक्वेशन. लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, x और y, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब ऐसे ही लीनियर इक्वेशन का जब आप एक और इक्वेशन आप ले लोगे, जैसे कि यहां पर मैंने लिया है. ठीक है, दिस इज वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज सेकेंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या, ऐसी सिचुएशन जो आप इक्वेशन के फॉर्म में रख रहे हैं. ठीक है, तो जहां पे दो अननोन वैल्यूज हैं. वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो वेरी करते हैं, जो आपके लिए अननोन है इस सिचुएशन. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे आपके पास एक इक्वेशन आ रही है लीनियर इक्वेशन विच इज इन टू वेरिएबल, देर इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन विच इज इन टू वेरिएबल. ठीक है, देर इज सेकेंड लीनियर इक्वेशन विच इज इन टू वेरिएबल. तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. बात समझ में आई? यानी जब दो लीनियर इक्वेशंस हम टू वेरिएबल्स में ले रहे हैं, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. क्यों सॉल्व करेंगे आगे बताएंगे. ठीक है, लेकिन जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये बात समझ में आई? यस कब? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब मान लो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट. जैसे यहां पे क्या होगा, 5x = 5 - 3, तो ये हो जाएगा 5x = 2. तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 2/5. अब देखो, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने सॉल्व किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये x इसका सोल्यूशन हो जाएगा. मतलब ये x इसका सोल्यूशन कहलाएगा. ठीक है,
इसी तरीके से जब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो चूंकि यहां दो वेरिएबल्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी याद करो, वहां पे भी आपने सिचुएशंस इक्वेशंस तैयार की थी, ठीक है, इक्वेशंस तैयार की थी और वो इक्वेशंस का एक रिलेशन दिया था, वहां पे था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल रहा था कि मतलब एक ऐसा इक्वेशन या रिलेशन निकालो एक्स वाई में, एक्स वाई का रिलेशन निकालना था, तो हम जब उसको सॉल्व करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करते थे, तो उसके बाद आता था 3x - y = 5, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन के आती थी, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। अब अगर हमें इस x और y की वैल्यू को चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो यहां पे तो एक ही वेरिएबल था, तो इसको सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल ली। लेकिन जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, उनको सॉल्व करना है, तो हमें पेयर चाहिए, दूसरा लीनियर इक्वेशन चाहिए। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आगे पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब पढ़ेंगे। तो जब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व की जाएंगी तो एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, जो कि हमारा क्या होगा, सॉल्यूशंस, जो कि होगा सॉल्यूशंस। मतलब इन दो इक्वेशंस के लिए x और y की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट द सॉल्यूशंस, वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x और y की वैल्यू आई तो वो इसमें पुट करोगे तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, x और y की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इसमें ये सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम सॉल्व क्यों करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए करेंगे क्योंकि एक इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स के साथ है तो आप एक ही इक्वेशन से उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको पेयर चाहिए, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चाहिए, पहली चीज, इसलिए हमें पेयर में लेना जरूरी है, ठीक है, तभी हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे हर एक इक्वेशन एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, इक्वेशंस जो है वो क्या कर रही है, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जाहिर सी बात है जब सिचुएशन होगी उसमें एक वैल्यू होगी जो नोन होगी, जैसे कि यहां पर 3, 5 है, 3 है, 5, 3 और 5 है, ये नोन वैल्यूज है उस सिचुएशन की, और उस सिचुएशन में कुछ अननोन वैल्यूज होंगी जैसे कि x और y, और इसी को हमें निकालना होगा, ठीक है। तो जब लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चाहिए, और सॉल्व करके जो है हमें x और y की वैल्यू ही चाहिए होती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, अखिला, दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT, went to a fair in her village, यानी कि वो जो है एक फेयर में जाती है, ठीक है, she wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, एक giant wheel पे वो play कर मतलब enjoy करना चाहती है और hoopla को play करना चाहती है, ठीक है। A game in which you throw a ring on the items kept in a stall and if the ring covers any object completely, you get it. Now, the number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. मतलब जितनी बार वो giant wheel पे गई, भाई ये situation है ना आपके सामने, देखो ये एक situation है. Number of times she played on hoopla. जितने time उसने hoopla पे play किया, यानी उसको खेला, is half the number, वो half है किसका, जितनी time वो giant wheel पे गई, मतलब अगर वो giant wheel पे 10 बार गई तो इसका मतलब 5 बार उसने hoopla खेला, अगर giant wheel पे वो 20 बार गई तो इसका मतलब 10 बार hoopla को खेला, ठीक है। तो ये कह रहे if each ride cost rupees 3, अब देखो ये known है हमारे पास, यानी 3 रुपए की एक ride है, तो 3 रुपए known है, हम ये जान रहे, ठीक है, and a game of hoopla cost rupees 4, यानी एक बार अगर वो हुपला प्ले करेगी तो वो क्या होगा, दैट विल बी 4 रुपीज, ठीक है, यानी 4 रुपए जो है वो क्या करेगा कि मतलब वो उसको पड़ेगा, हुपला पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, अब निकालना क्या है नंबर ऑफ राइड्स,
अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अननोन है, ये वेरिएबल बन जाएगा, यानी एक राइट्स पे जा रही है तो ₹3 की एक राइट पड़ रही है, ₹3 एक राइट की, ये नोन है, लेकिन कितनी बार वो गई ये अननोन है। बात समझ में आ रही है? यस, यस काब, ज़ाइना, yes, I'm not receiving message. Carbon Zaina. Are we connected? Zaina, are you there? नहीं, मैंने ये पूछा जो बताया है, या शी इज इन द मीटिंग, शी इज हेयर, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिप्लाई नाउ। मैंने बस ये क्वेश्चन किया था, मतलब ये सिचुएशन, मतलब ये समझ में आ रहा है कैसे सिचुएशन जो है वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। Zaina, what happened? Were you there in the lecture? नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं जो मूवमेंट है, आपको लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, देखो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फौरन पता ही चल जाएगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको जैसे लग रहा है अभी आवाज नहीं आ रही, हैंग कर रहा, फौरन रीज्वाइन कर लो, डिस्कनेक्ट करो खट से, रीज्वाइन कर लो, उसमें कम टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने बोला कि ₹3 की एक राइड है, ये नोन है, ₹4 का एक गेम है हुपला का, वो नोन है, लेकिन कितनी बार वो राइड पे गई, कितनी बार उसने हुपला खेला, ये अननोन है, जो कि वेरिएबल है। ठीक है, अभी कह रहा है कि टोटल उसने जो स्पेंड किया वो ₹20 स्पेंड किया, यानी ₹20 थे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हमें निकालना है, तो ये तो हमारे पास आ गई सिचुएशन, ये हमारे पास क्या आ गई, सिचुएशन आ गई। अब इसी सिचुएशन को हमें हमें क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो अब अगर यहां पे देखो तो कॉस्ट ऑफ राइड इज नोन, कॉस्ट ऑफ राइड कितना है, दैट इज ₹3, लेकिन नंबर ऑफ राइड्स, क्योंकि देखो ₹20 खर्च किस वजह से होंगे भाई, भाई ₹20 में उसको जो है वो व्हील पे भी जाना है, जॉइंट व्हील पे भी जाना है, और ₹20 में उसको जो है वो हुपला भी खेलना है, तो कॉस्ट ऑफ राइड तो ₹3 है, ये तो नोन है, लेकिन नंबर ऑफ राइड्स कितनी ली, ये अननोन है, इसको मान लिया हमने x। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ हुपला, कॉस्ट ऑफ हुपला इज व्हाट, ₹4, लेकिन नंबर ऑफ हुपला गेम उसने जितना खेला हमें नहीं पता। ठीक है, वो हो गया वाई। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है कि क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर तुम यहां पे गौर से देखो, ठीक है, जो ये क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, दो सिचुएशंस दी जाएंगी, दो सिचुएशंस से ही दो इक्वेशंस रेडी होंगी। ठीक है, जैसे पहले क्या सिचुएशन है इसको समझो,
द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील, यानी जितनी बार उसने हुपला खेला, ठीक है, कितनी बार, y टाइम्स, वो हाफ नंबर है इसका जितनी टाइम्स वो राइड पे गई। तो देखो एक इक्वेशन ये बन रही है कि y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो एक लीनियर इक्वेशन ये बन के तैयार हो, एक लीनियर इक्वेशन ये बन के तैयार हो, ठीक है, एक सिचुएशन से एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी सिचुएशन क्या, दूसरी सिचुएशन ये कह रहा है कि मतलब ₹3 उसका एक राइड पे खर्च हो रहा है, ₹4 एक हुपला गेम पे खर्च हो रहा है, तो जितनी बार भी वो गया टोटल वो ₹20 खर्च कर रहा है। तो ये पैसा खर्च करना ये क्या है, ये क्या है, सेकेंड सिचुएशन है। अब देखो जाहिर सी बात है पैसा जब खर्च हो रहा है तो ₹3 की एक राइड है और टोटल राइड एक्स ली तो 3x हो जाएगा, ठीक है, ₹4 का एक गेम है और टोटल वाई गेम वो खेली तो 4 × y होगा भाई, एक गेम की कॉस्ट प्लस टोटल नंबर ऑफ गेम्स तो 4y। तो अब इन दोनों पे जो पैसा खर्च होगा वो ₹20 के बराबर होगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी सेकेंड इक्वेशन। यहां पे बात समझ में आई कि कैसे दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बनानी होती है। यस काब, ज़ाइना, ठीक है, तो एक ये बात समझ में आई कि पेयर क्यों यूज करना है लीनियर इक्वेशंस का, कि लीनियर इक्वेशंस के दो वेरिएबल्स को हमें निकालना होगा तो हमें दो पेयर मींस लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर हमें जो है दो पेयर मींस दो लीनियर इक्वेशंस चाहिए तो एक लीनियर इक्वेशन जो है एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन जो है उसी में दूसरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ राइड्स, ठीक है, वो एक वेरिएबल था, नंबर ऑफ हुपला गेम्स शी प्लेड ये सेकेंड वेरिएबल था, जिसमें ये दिया हुआ था कि राइड्स ₹3 पर राइड है, दैट इज अ नोन वैल्यू, ₹3 नोन वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है कि हुपला गेम की कॉस्ट ₹4 है, तो वो ₹4 जो है वो पर गेम कॉस्ट है, तो ये भी नोन है, लेकिन कितनी बार उसने हुपला गेम खेला ये अननोन है। तो वो उन्हीं दोनों को कंबाइन करके, जैसे यहां पे हमने दो सिचुएशन से इक्वेशंस बनाई, ऐसे ही आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस हम न्यूमेरिकली भी निकालेंगे, सॉल्यूशंस हम ग्राफ से भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इस सेशन में चेंज है, बुक्स का जो कंटेंट है वो भी चेंज है, इस बार थोड़ा सा कुछ चीजें डिलीटेड हैं, कुछ चीजें रीऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हम सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, क्योंकि भाई एक लीनियर इक्वेशन एक जो है वो जिसको कहते हैं ना कि भाई एक ग्राफ बनाएगा, ठीक है, दूसरा लीनियर इक्वेशन दूसरा ग्राफ तैयार करेगा। तो ये जो सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात मतलब जो उसमें वेरिएबल है, जनरली हम एक्स और वाई को लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स वाई हमेशा हो, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, टी क्यू भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन जनरली हम एक्स वाई को लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, मतलब सॉल्यूशंस का क्या मतलब हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझो।
मान लो दो जनरल एक लीनियर इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम गौर से देखोगे तो यहां पे दोनों पे मैंने ए वन ए टू लिखा हुआ है, बी वन बी टू लिखा हुआ है, सी वन सी टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा डिफर करेंगे, मतलब डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है, ए वन की वैल्यू फाइव भी हो सकती है, ए टू की वैल्यू थ्री भी हो सकती है, ए वन ए टू फाइव फाइव भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मैंने डिफर किया है। लेकिन तुम गौर से देख रहे होगे कि एक्स और वाई दोनों मैंने यहां पे सेम लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, मतलब जिसको हम सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो एक्स और वाई की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो वही सेम वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। यानी x और y इसमें डालोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही x और y की वैल्यू इसमें डालोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब LHS will be equal to RHS. Got it? कोई डाउट इसमें? कहीं पे कोई डाउट आ रहा है? जल्दी बताइए। यस, हाँ भाई जाइना काब, मैं कह रहा हूं कि कोई डाउट यहां तक तो मुझसे पूछे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, सॉल्यूशंस मतलब क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो ये सॉल्यूशंस दो टाइप के निकलते हैं। एक कहलाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? Inconsistent pair of solutions, और एक कहलाता है consistent pair of solutions। Inconsistent pair of solutions और consistent pair of solutions। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट का मतलब यह हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब कि उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके कॉमनली। मतलब कि एक्स की वैल्यू अगर वही इसमें पुट कर रहे हो तो वही एक्स की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करे, मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, और हमें कैसे पता चलेगा? तो दो तरीके से पता चलेगा। एक तो अभी हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहीं पे सारी चीजें बता रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई दोनों इक्वेशंस को नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, नो सॉल्यूशन कैसे आएगा कि अगर उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, अगर आप रेशियो लोगे, मतलब अगर ए वन बाई ए टू करते हो उसकी वैल्यू बी वन बाई बी टू के बराबर आ रही है,
लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं आ रही है, मतलब A1 बाई A2 कर रहे हो, फिर B1 बाई B2 कर रहे हो, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब 1 बाई 2 1 बाई 2। लेकिन जैसे ही तुम C1 बाई C2 कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक तो तरीका ये है पता लगाने का कि सोल्यूशन है भी कि नहीं है। दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, जिसको यहां पे पहले हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशनल सिलेबस, ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो कि हम बनाने वाले, अब देखते हैं कि कितने हम ग्राफ्स को प्रैक्टिस कर पाते हैं, आई थिंक मे बी वन, ठीक है। तो अब यहां पे कि जब आप बनाने वाले हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट टुडे, ठीक है, कि अगर आप इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और कल जब बैठे तो ग्राफ के साथ बैठे, ग्राफ पेपर के साथ बैठे, स्केल पेंसिल के साथ, ठीक है। आज मान लीजिए आप लोग नहीं होंगे, तो आई विल प्रैक्टिस एंड यू कैन वॉच, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आज आपके पास है तो साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी इसको खत्म होने दिए टॉपिक को, जब हम स्टार्ट करेंगे। तो एक तो क्या तरीका है पेयर, मतलब निकालने का, मतलब ये पता लगाने का कि सोल्यूशन है या नहीं है। तो नो सोल्यूशन का क्या है कि आप जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं उनके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनका जब रेशियो लेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि A1 by A2 is equal to B1 by B2, but जैसे ही C1 by C2 कर रहे हो तो उसकी वैल्यू एकदम अलग आ रही, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा तरीका क्या है ग्राफिकल मेथड, कि आप जब दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ पैरेलल लाइन आएगा, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। व्हाट यू विल गेट अ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का मतलब यही है, यानी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ्स पैरेलल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉइंट समझ में आया? एनी डाउट, कोई डाउट इसमें? यस काब, आज आफिया ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वेरिया ने ज्वाइन नहीं किया, मोहेमियन भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आई थिंक लगता है आज से टाइम चेंज हुआ है, तो शायद मे बी अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आते हैं कंसिस्टेंट पे। देखो, कंसिस्टेंट मतलब कि सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, सोल्यूशन है। तो मान लो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो दो चीजें, या तो उसका एक सिंगल सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एक ही एक्स और एक ही वाई की वैल्यू सेटिस्फाई होगी, या फिर दूसरी सिचुएशन ये मिलेगी दैट विल बी, इट विल बी हैविंग मैनी सोल्यूशंस, और जिसको हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि दो लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको जो है वो एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, अब कांस्टेंट से हम कैसे पता लगाएंगे, अगर आपने A1 by A2 किया और B1 by B2 किया और करते ही दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब सिंगल सोल्यूशन। बात समझ में आ रही? A1 by A2 किया तो मान लीजिए 1 by 2 आया, B1 by B2 किया 1 by 3 आया, पहले ही आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब आपको फौरन पता चल गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसमें सिंगल सोल्यूशन है, मतलब एक ही एक्स और एक ही वाई की वैल्यू कोई सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशंस को। और ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इन दोनों इक्वेशंस का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे
तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और यही एक पॉइंट का जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही इसका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ जो है आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो पॉइंट है उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो उन इक्वेशंस का सोल्यूशन है। तो ग्राफिकली हम ऐसे निकालते हैं और फिर न्यूमेरिकली हम ऐसे निकालते हैं जो भी सिंगल सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब ये तो पता करेंगे ना, बाकी तो फिर देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व इट। इसमें कोई डाउट? सिंगल सोल्यूशन यस का ठीक है। अब आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो इसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर मींस बोलते हैं, मींस डिपेंडेंट पेयर ऑफ दैट इज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, डिपेंडेंट दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं और उन दो लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उनको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो दोनों लीनियर इक्वेशंस के कांस्टेंट का अगर आप रेशियो लोगे तो a1 by a2 हमेशा b1 by b2 will be always equal to c1 by c2। अगर ये सिचुएशन मिल रही है तो that means it has many solutions। ठीक है, और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ भी कैसे आएगा कि एक इक्वेशन का ग्राफ अगर ये आ रहा है तो दूसरा जो है उसी के ऊपर को इंसिडेंट होगा। मतलब कैसा ग्राफ मिलेगा, कैसे लाइन मिलेगी हमें? को इंसिडेंट लाइन्स। यहां पे कैसे मिल रही थी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसे मिल रही थी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हो, नहीं तो इसको कर लो और डन लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे बढ़ेंगे। Yeah, this one is dependent. Yeah, which have many solutions.
डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हो गया जल्दी 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 जल्दी। यस है ना, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी विल सॉल्व एग्जाम्पल वन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। सो विल सेलेक्ट Just wait a second, because now what we will solve the example that will say about what the graphical method means, graph ke through kaise hum us pair of linear equations ke solutions ko nikalenge, theek hai? अब जैसे यहां पे, सो लेट अस टेक एग्जाम्पल वन, ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल वन, व्हाट इट सेज that check graphically whether the pair of equations is consistent. मतलब graphically check करो कि pair of equations consistent है कि नहीं है, graphically check करना है। मतलब इस question में तो ये बोला, नहीं तो a1 by a2 b1 by b2 से आप check कर लेते, ठीक है। तो कह रहा है graphically check करो, अगर है तो solve them graphically, ठीक है। अगर है तो फिर इनको क्या करो, graphically निकालो, उसका solution निकालो। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब देखो, जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक व्हाट अ ग्राफ मींस एक टेबल बनाएंगे, और जाहिर सी बात है एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसको हम निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो मान लो हम कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की हम निकालते हैं, दो दो वैल्यूज निकाल लेते, दो वैल्यूज काफी है, ठीक है। ऐसा करेंगे जिसमें हमारा टाइम भी नहीं लगे, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, ओके। तो अब यहां पे हम लिखेंगे x और y। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो मान लो हमने x को 0 माना, अच्छा ऐसी वैल्यूज को भी सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं आए तो मतलब हम रफ में भी चेक करके देख सकते हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आ जाए सॉल्व करके कि y की वैल्यू 1.37 आ रही है। तो अब उसको जब सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है ग्राफ पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज सेलेक्ट करें जिससे हमें क्या मिले, एक होल नंबर वैल्यू मिले या डेसिमल मिले, तो 2.5 3.5 लाइक दैट, कि हम उसको इजीली ग्राफिक ग्राफ पे ड्रॉ कर सके। अच्छा ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो याद रखिए ये जो लाइंस होती हैं इस पे ही आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे लाइंस ग्राफ एवरीथिंग, ठीक है। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा सब, कि आप उसको जो है मतलब ओवरलैपिंग कर रहे हो या फिर कहीं डार्क कहीं लाइट, इस टाइप से नहीं, ठीक है। पॉइंट्स एकदम प्रोमिनेंट होने चाहिए, क्लियर, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कई बार आप उसको रिपीट नहीं करो कि लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो कई बार उसको ड्रॉ कर रहे हो, नहीं,
इट शुड बी लाइक, इतना प्रैक्टिस करें कि एक बार में हम उस लाइन को ड्रॉ कर सके, इट शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन. ओके, तो अब x की वैल्यू जब 0 सेलेक्ट की है, तो जब इसमें पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो 3y की वैल्यू देखो क्या होगी, थोड़ा सा मैं इधर इसको शिफ्ट कर दूं ऊपर फिलहाल के लिए, ठीक है. 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2. ठीक है, ये हमने सॉल्व करके लिख दिया. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब एक और वैल्यू सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब y को हमने मान लो 0 मान लिया, y को 0 ले लिया. ठीक है, तो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हम y को 0 ले रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, मतलब उसी इक्वेशन से 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अब इसको हमने सिक्योर कर लिया. इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, हम दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे, 2x-3y, तो उसकी भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसे हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, दैट विल बी क्लियर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से फेयर सॉल्यूशन. मतलब ये रफ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ फेयर सॉल्यूशन. या तो आप ग्राफ जहां ड्रॉ कर रहे हो उसको टॉप पे सॉल्व कर लो, या फिर जहां पे आपका जो लाइन पे लाइंस होती है जहां पे आप उसको करते हो, तो दैट विल बी टेक इट. ठीक है, एक्स और वाई हमने लिया. अब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं. तो अब देखो पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो दिस विल गिव अस व्हाट, माइनस 3y इज इक्वल टू 12. व्हाट इट विल गिव अस, y इज इक्वल टू माइनस 4. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं. तो सेकेंड जब हम सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को 0 ले लिया, तो व्हाट इट विल गिव अस, 2x माइनस 3 0 इनटू, दैट विल बी इक्वल टू 12. दैट मींस 2x इज इक्वल टू 12, दैट मींस x इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई दूसरी इक्वेशन के. अब सबसे पहले ये दो वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए हमें सिक्योर करके रख लेना है. अब इसके बेसिस पे हमने देखना है कि y की वैल्यू, x की वैल्यू मैक्सिमम 6 जा रही है, y की भी वैल्यू ओवरऑल मैक्सिमम 6 जा रही है, मिनिमम माइनस 4 जा रही है. तो उसी के हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे. मतलब इतनी नहीं लाइन ड्रॉ कर लें कि भाई हमें जबरदस्ती 11, 12, 13, 14, 15, 16 लिखना पड़े. ठीक है, मतलब इतना करें कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो हम ड्रॉ कर लें. ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे ग्राफ के ऊपर. ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो दैट वी विल टेक दिस स्केल. और यहाँ पे मैं स्केल ही, मैं सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली स्केल्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 6 जा रही है. ठीक है, और मिनिमम माइनस 4 जा रही है. तो इसका मतलब वाई एक्सिस हमें ऐसा लेना है. अब देखो लाइन जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे आ रहा है, देखो या टेढ़ी जा रही है लाइन. ठीक है, अगर आप लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सो इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर. ठीक है, अब जैसे ही हमने किया यहां पे, तो हमें एक्स एक्सिस भी चाहिए. हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं. ठीक है, ओके, अब इसको क्या करेंगे,
वी विल ठीक है, वी विल मार्क इट। अब देखो जीरो लिया तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी वन टू थ्री फोर। अब देखो y की वैल्यू सिक्स आ रही थी, अब यहां पे कम पड़ रहा है, देख रहे हो। तो यही हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक दिस कि जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की है वो पूरी आ जाए इसके ऊपर। तो यहां तक हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं, ठीक है। लेकिन जब एक्सटेंड कर देखो यहां पे ओवरलैप दिख रहा है, ये चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फाइव सिक्स हो गया, यहां पे हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पे माइनस वन माइनस टू, भाई एक एक उस पर बनाना है, ठीक है, माइनस फाइव। यहां पे एकदम क्लियर है, नहीं तो हम ऐसे ही करते हैं, हम यहां पे थोड़ा सा इस टाइप से हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं टू मार्क इट, इट शुड बी डन लाइक दिस ओनली। तो हम x एक्सिस ड्रॉ करते हैं और y एक्सिस यानी x हो गया, ये y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y। तो यहां पे हम लेंगे माइनस वन, दिस विल बी माइनस टू, दिस विल बी माइनस थ्री, दिस विल बी माइनस फोर, ठीक है। अब यहां पे सब, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी उसकी जो x की वैल्यू है, तो देखो सबसे पहले जीरो टू, ठीक है, तो x की वैल्यू जीरो पे, x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू टू, मतलब ये है यहां पे इस जगह पे ये हमने बना दिया। अब इसको ऐसे भी नहीं करेंगे कि एकदम यूं कर ले कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ना दिखे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना दिखे, ऐसे नहीं करना, ठीक है, और ना ही इतना छोटा लगा देंगे कि हमें वो भी ना दिखे, मतलब थोड़ा सा हम करेंगे कि हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पता चल जाए, ऐसा ना हो कि लाइन हमारी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और यहां पे हमने लिख दिया इसके कोऑर्डिनेट्स, दैट इज जीरो टू, ऐसे लिख दिया। अब फिर आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू सिक्स पे वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू सिक्स पे वाई की जीरो, यानी मतलब वाई की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ऊपर शिफ्ट ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये यहीं पे आएगा, ठीक है, वाई की वैल्यू। और यहां पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दैट इज सिक्स जीरो, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ये जो दो पॉइंट्स है, अब इनको बहुत प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट मैच करना, यहां पे तो चलो सॉफ्टवेयर है, मैं शिफ्ट कर लूंगा, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट शिफ्ट करना, मतलब ये देखो यहां पे पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मैचिंग, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, द बेस्ट थिंग इज ऑब्वियसली स्केल से हम ड्रॉ करेंगे, राइट नाउ आई एम यूजिंग द सॉफ्टवेयर, तो इस वजह से हम यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं। अब जब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम इसको करेंगे तो देखो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच करना, इधर उधर जरा भी शिफ्ट, इसीलिए एकदम शार्प पेंसिल होनी चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद जब हम करेंगे तो यहां पे एरोस बना दो, क्योंकि ये तो एक्सटेंड हो सकता है, और उसके बाद अब इसको प्रोमिनेंट कर दो थोड़ा सा इस टाइप से, ऐसे। और जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x, या इसको एकदम साइड में, x plus 3y is equal to 6, इसको उस इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर लिख दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ। अब देखो नेक्स्ट का क्या था, 0 माइनस 4, तो 0 पे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू माइनस 4, ये हो गया, दिस इज 0 माइनस 4। अच्छा, कभी आप लिख दो कोऑर्डिनेट्स और ग्राफ बनाने पे वो उसको लाइन जो है वो कट कर रहा है, तो उसको मिटा के कोऑर्डिनेट्स को ऊपर शिफ्ट करो, मतलब इम्प्रॉपर नहीं दिखना चाहिए। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया होता 60, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अब 60 पे वो कट कर रहा है, तो हम 60 को मिटा के थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट कर दें, वो शिफ्ट करना जरूरी है, वो क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 60 मतलब कि एक्स की वैल्यू सिक्स पे वाई की वैल्यू जीरो,
तो यही आएगा, ठीक है, दिस वन, दिस पॉइंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मैच दीज टू। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्केल से ड्रॉ ऐसे करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए, इधर उधर जरा भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपकी पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एरोस, अभी देखो यहां पे कट नहीं कर रहा है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और किस इक्वेशन का ग्राफ था, दैट इज 2x - 3y = 12, उसको यहां पर लिख दिया और इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे। अब देखो यहां पे क्या है, ये ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट 60, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी ये इस वाले ग्राफ के लिए, मतलब इस वाले इक्वेशन के लिए, is or are 60, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इस दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं और इसको हमने ग्राफिकली निकाला है। तो देखो ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो कौन सा सॉल्यूशन है, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सो इन दिस वे ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रोवाइडेड जितनी भी चीजें मैंने आपको ग्राफ में बताई हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखते हुए, वो केयरफुली उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे, तो वी विल गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर ग्राफ, कोई डाउट इसमें। तो आज मैं यही दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके फिर उसके बाद उसको असाइनमेंट में अपलोड करेंगे। बात समझ में आ रही है, अब यहां पे अगर कांस्टेंट से भी अगर देखो यहां पे a1/a2 करो तो देखो क्या आ रहा है, मतलब ये नहीं करना, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे a1 क्या है 1, यहां पे a2 क्या है 2, तो देखो 1/2 आ रहा है। अब b1/b2 करो तो देखो b1 यहां पे क्या है +3 और b2 यहां पे क्या है -3, तो देखो क्या आ रहा है -1/1, तो देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे भी यहां पे पता चल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज 60। एग्जैक्टली, मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे देखो ग्राफ पे बहुत इंटेंसिफाई किया है, तो ग्राफ पेपर ही बना के आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जैसे होता है ना लाइन, जैसे मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताया, लाइंस ओवरलैप ना करें, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ग्राफ्स एकदम क्लियर होने चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और उसके बाद जब यहां पे आप इसको मतलब मेंशन करो तो इट शुड बी ऑनलाइन, मींस ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू। हाँ, कोई बात नहीं, मैं मतलब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, कल जब बैठें क्लास में, ठीक है, तो ग्राफ पेपर के साथ बैठना है। क्योंकि हम कल साथ में एक ग्राफ प्रैक्टिस एटलीस्ट करेंगे, ठीक है। यस जाइनो, चलो फिर, ओके देन, मिलते हैं कल, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।